हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो यहाँ सभी को बताएंगे इंग्लिश में पास होने का सबसे सरल और आसान तरीका। अगर आप सभी लोग इंग्लिश में अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े, आपकी तैयारी बिल्कुल 0% है, ठीक है, और आप सभी को इंग्लिश की पेपर देना है, तो आप सभी लोग इंग्लिश में बिना कुछ पढ़े और बिना याद किए आप सभी लोग इंग्लिश में कैसे पास होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम आप सभी को इंग्लिश पेपर में पास होने का एक बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट तरीका बताएंगे, बेस्ट ट्रिक बताएंगे आप सभी को, ठीक है। अगर आप सभी लोग इस ट्रिक का यूज अपने इंग्लिश के पेपर में करते हो, आप लोग चाहे किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो, ठीक है, चाहे क्लास 10th या 12th या अदर किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो, अगर आप सभी लोग इस ट्रिक का यूज अपने बोर्ड एग्जाम में अपने एग्जाम में करते हो, ठीक है, तो टीचर खुश होकर आप सभी को बहुत अच्छे नंबर देंगे और आप सभी लोग इंग्लिश में पास ही नहीं बल्कि एक बहुत अच्छे नंबर लाओगे, ये मेरी 100% गारंटी है, ठीक है। और कमजोर छात्र जो है वो अगर इस ट्रिक को देख लिए तो इंग्लिश में वो कभी जिंदगी में फेल नहीं हो सकते, ये मेरी गारंटी है। वीडियो में हम आप सभी को इंग्लिश में पास होने की ऐसी जबरदस्त और जादुई ट्रिक बताने वाले हैं जो अभी तक, ठीक है, इस ट्रिक को पूरे YouTube पर किसी ने नहीं बताया है। और ये जो ट्रिक है इससे आप सभी लोग 100% मेरी गारंटी पास ही नहीं बल्कि आप लोग इंग्लिश में एक बहुत अच्छे नंबर लाओगे, आपको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि इतने अच्छे नंबर हमारे कैसे आ गए। तो यहाँ पे हम आपको ऐसे तरीका बताने वाले हैं, ठीक है, आपकी इंग्लिश के पेपर में जितने भी क्वेश्चन आते हैं सभी क्वेश्चन में हम आपको क्या ट्रिक लगाना है, कैसे आप सभी लोग ट्रिक लगाओगे, ठीक है, सभी क्वेश्चन के ट्रिक यहाँ पे हम बताने वाले। तो सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा। सबसे पहले देखिए आप सभी का जो पेपर होता है इंग्लिश का उसमें, ठीक है, जो ये बोर्ड का पेपर है तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चन दिए होते हैं और यहाँ पे इस वीडियो में हम आपको, ठीक है, किस किस टॉपिक पे ट्रिक बताने वाले। सबसे पहले देखिए आप सभी के यानी पेपर में इस तरीके से अनसीन पैसेज दिया होता है जिसे पैसेज भी कहते हैं और ये आपके क्लास 10th और 12th दोनों में दिया होता है, ठीक है, जिसे कम्प्रीहेंशन भी कहा जाता है। तो यहाँ पे हम आपको सबसे पहले इसका ट्रिक बताएंगे और बहुत ही सरल और आसान ट्रिक बताएंगे। अगर आपको इंग्लिश पढ़ना और लिखना दोनों नहीं आता फिर भी आप लोग हमारे इस ट्रिक से इंग्लिश में पास ही नहीं बल्कि बहुत अच्छे नंबर लाओगे, ठीक है। तो आप लोग को बिल्कुल भी घबराना नहीं है, यहाँ पे हम आपको बहुत ही मेहनत से बहुत ही दिमाग लगाकर यहाँ पे बहुत ही अच्छी ट्रिक को क्रिएट किए हैं जिससे 100% एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स देंगे, ठीक है। इसके बाद है लेटर और एप्लीकेशन, यानी यहाँ पे लेटर में आपको क्या ट्रिक लगाना है, अगर आपको कोई भी लेटर नहीं आ रहा है, अगर आपको कोई एप्लीकेशन नहीं आ रहा है तो उसको ट्रिक से कैसे लिखना है। आप सभी के एग्जाम में जो लॉन्ग क्वेश्चन 60 क्वेश्चन आते हैं उसके आंसर को आपको ट्रिक से कैसे लिखना है, अगर आप लोग कुछ भी नहीं पढ़े हो, आपको इंग्लिश भी पढ़ने लिखने नहीं आता फिर भी, ठीक है, क्या ट्रिक लगाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट है एसे और आर्टिकल, आप लोग एसे और आर्टिकल में, ठीक है, कौन सा ट्रिक लगाएंगे जिससे आप सभी लोग 7 नंबर 9 नंबर भर के नंबर आप सभी लोग छाप लोगे, ठीक है। इसके बाद सेंट्रल आइडिया, अगर आपको कोई भी सेंट्रल आइडिया नहीं याद है तो क्या ट्रिक लगाना है, पोयम में क्या ट्रिक लगाना है अगर नहीं याद है तो, ठीक है। इसके बाद लास्ट आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यहाँ पे अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंग्लिश के पेपर में नहीं आता है तो आपको ऐसी कौन सी ट्रिक लगाना है जिससे 100% आपका पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही हो जाए और आपको जो भी 10 नंबर 20 नंबर है पूरे के पूरे मिल जाए, ठीक है। तो ये सभी ट्रिक हम आपको बताएंगे बहुत ही सरल तरीके से जो 100% आपके एग्जाम में वर्क करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपके इंग्लिश के पेपर में यहाँ पे पार्ट ए है और इस तरीके से इसमें सबसे पहले के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ट्रिक हम आपको इस वीडियो के पूरे लास्ट में बताएंगे और ऐसी ट्रिक बताएंगे ऑब्जेक्टिव का जो आप लोग कभी भी वो ट्रिक को नहीं जानते होंगे, ठीक है, कोई नहीं बताया है और उसी ट्रिक से ही ऑब्जेक्टिव का वो असली ट्रिक है जिससे आपको 100% पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो आपको ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाली ट्रिक पूरे लास्ट में बताएंगे, सबसे पहले हम आप सभी को, ठीक है, यानी जो लिखने वाला ट्रिक है उसको बताएंगे कि आप सभी को कैसे लिखना है अगर कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है। आप देखिए सबसे पहले पार्ट बी रीडिंग है, ठीक है, ये इस तरीके से आपके दोनों पेपर में ऐसे दिया रहता है क्लास 10th और 12th। अब आपको रीडिंग वाले क्वेश्चन में आपको इसमें रीडिंग वाले पैसेज को कैसे सॉल्व किया जाए, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे दिया है 21 क्वेश्चन में रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली
एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे क्या है, एक यहाँ पे पैसेज दिया है, इसके क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सभी को, ठीक है, और ये जो है 7 नंबर में है, इसका आंसर आप सभी को कैसे बनाना है, क्योंकि पहला क्वेश्चन रहेगा आपके पेपर का और इसमें को आपको बिल्कुल सही सही कैसे बनाना है ट्रिक से। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसमें कुछ भी यानी नहीं पढ़े हो फिर भी आप लोग इसको बना लोगे जो हम आपको तरीका बताएंगे। सबसे पहले आपको इंग्लिश की ये आपकी जो कॉपी है इसमें सबसे ऊपरी सिरे पर आपको पार्ट बी लिखना है और यहाँ पे रीडिंग सेक्शन का है तो रीडिंग लिख देना है। इसके बाद देखिए इंग्लिश है तो इसमें आपको इंग्लिश में प्रश्नोत्तर संख्या लिखना है, तो यहाँ पे आंसर टू क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 21 इस तरीके से पहले ऐसे लिख देना है और कॉपी में इधर लाइनिंग वगैरह कर देना है। इसके बाद देखिए ये जो पैसेज है, ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, पैसेज को आपको सबसे पहले पढ़ना नहीं है, ठीक है, तब क्या करना है, सबसे पहले आपको पैसेज के नीचे जो क्वेश्चन है उसको पढ़ना है। अब क्वेश्चन देखिए इस तरीके से दिए, सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को पढ़ना है, तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है व्हाट शुड बी डू टू गेट सक्सेस इन लाइफ, पहला क्वेश्चन ये है और आप सभी को क्वेश्चन को पढ़ने से क्या मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन को क्यों हमने कहा पहले पढ़ने के लिए, क्योंकि देखिए जब आप लोग क्वेश्चन पढ़ोगे तो क्वेश्चन में आपको मेन वर्ड को ध्यान में रखना है, ठीक है, और जहां भी जो पैसेज है जहां पर भी वो मेन वर्ड जो है जहां पर भी पैसेज में रहेंगे वही उस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, इसलिए हमने आपको बताया सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना। अब देखिए क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हम पैसेज में देखेंगे कहाँ कहाँ पर वो मेन वर्ड है, ये मेन वर्ड क्या है। यहाँ पे देखिए हमने क्वेश्चन को पढ़ा व्हाट शुड वी डू टू गेट सक्सेस इन लाइफ, इसमें मेन वर्ड क्या है, लाइफ है और यहाँ पे सक्सेस है। ठीक है, तो आपको यानी ये जो पैसेज है इसके आपको फर्स्ट लाइन से पढ़ना स्टार्ट करना है, जहां पर भी पहले सक्सेस मिल गया उसी जगह इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, तो सक्सेस कहाँ पे मिल गया, यहाँ पे सक्सेस आ गया, यानी इस क्वेश्चन का आंसर, ये लाइन जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, अब आपको लिखना कैसे है, ये नहीं कि पूरा लाइन आप लोग इसके आंसर में छाप दिए सही हो गया, ठीक है, ऐसे आप सभी को नहीं करना, ये गलत हो जाएगा। अब आपको देखिए यहाँ पे ट्रिक से कैसे लिखना है, देखिए सबसे पहले कि क्वेश्चन का आंसर लिखते समय आप सभी को, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड को जरूर हटा देना है। क्वेश्चन वर्ड क्या क्या होते हैं, वाई, हाउ, व्हाट, हु, ठीक है, कभी भी आपको क्वेश्चन यानी क्वेश्चन वर्ड को आंसर में नहीं लिखना है, अगर आप लोग ऐसे लिख देते हो तो ये पूरे के पूरे कट जाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, व्हाट आ गया सभी में इस तरीके से, ठीक है, ये व्हाट जो है ये क्वेश्चन वर्ड है, आपको इसको हटा देना है, इससे आंसर आपको कभी भी नहीं बनाना है। ठीक है, अब आपको किससे तब बनाना है, तो देखिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट को क्वेश्चन में पहचानना है और उसे सबसे पहले आंसर में लिखना है और आपको कुछ ग्रामर के रूल को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, उसको लिखना है। अब देखिए क्या है, इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, तब अगर हम इससे क्वेश्चन वर्ड से नहीं शुरू करेंगे तो यहाँ पे हमें सब्जेक्ट से शुरू करना है। ठीक है, और सब्जेक्ट कैसे मिलेगा, सबसे पहचानना है आपको, तो देखिए किसको और कौन, ठीक है, ये सबसे क्वेश्चन पूछने पर सब्जेक्ट मिलता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे व्हाट शुड बी यानी किसे, तो यहाँ पे हमें, ठीक है, तो यहाँ पे हमें बी जो है ये सब्जेक्ट मिल गया। अब देखिए आप लोग काफी ध्यान से समझिएगा, यही जो ट्रिक हम आपको बता रहे हैं ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और ये पैसेज तीनों में यही काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, तो सब्जेक्ट तो हमें मिल गया, ऐसे भी पहचान सकते हो, जैसे ये क्वेश्चन वर्ड आ गया, यहाँ पे सहायक क्रिया आ गया, इसके बाद तीसरे नंबर पे जो चीज है वही सब्जेक्ट है। ठीक है, ऐसे भी आप लोग इसको पहचान सकते हो, तो यहाँ पे सब्जेक्ट वी और यहाँ पे सूड है। ठीक है, तो यहाँ पे वी सूड तो आपको मिल गया, आप लोग लिख लीजिए यहाँ पे। देखिए कैसे लिखना है, इतना लिखने के बाद यहाँ पे पहला का लिख रहे ए का, तो ए, इसके बाद वी सूड, यहाँ पे आप सभी को लिखना है वी सूड, इसके बाद बी सूड लिखने के बाद, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे आप सभी को आ जाना है। बी सूड लिखने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है कि सक्सेस यहाँ पे है लाइन में, इसलिए आपको इस सक्सेस को नहीं लेना है, सिर्फ आपको वी सूड को लेना है और इस लाइन में आ जाना है। तो इसके बाद वी सूड टू ट्राई, ठीक है, और सहायक क्रिया हम पहले से यहाँ पे सूड क्वेश्चन से लगा दी, तो इसको आपको इज को छोड़ देना है। टू ट्राई द फर्स्ट स्टेप ऑफ द लीडर ऑफ सक्सेस, ठीक है, तो इस तरीके से हो गया, वी शुड टू ट्राई द फर्स्ट स्टेप ऑफ द लीडर ऑफ सक्सेस, ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ पे फुल स्टॉप, ये क्या हो गया, इसका पूरा का पूरा आंसर हो गया और बिल्कुल 100% करेक्ट हो गया, पूरे के पूरे 2 नंबर एग्जामिनर देंगे, एक भी नंबर नहीं काटेंगे, यानी आपको इसी से क्वेश्चन से ही आपको इस पैसेज के माध्यम से आंसर बनाना है। ठीक है, और यही इसका रूल होता है। दूसरा जैसे हो गया व्हाट टाइप ऑफ लाइफ डिड द ग्रेट मैन ऑफ द वर्ल्ड लीड,
अब देखिए, जैसे आपके क्वेश्चन में अगर डीड आ गया तो यहाँ पे आपको क्या ग्रामर के रूल को लगाना है, जिससे एग्जामिनर सिर्फ वही देखते हैं और आपको पूरे नंबर दे देते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, व्हाट टाइप ऑफ लाइफ डिड द ग्रेट मैन ऑफ द वर्ल्ड लीड। अब इसमें आपको क्या करना है, मेन मेन वर्ड क्या है, पहला कि द ग्रेट मैन, ये मेन वर्ड है, उसके बाद वर्ल्ड लीड, ठीक है, ये भी क्या है, मेन वर्ड है, कहाँ इस पे ढूंढना है, इसमें ढूंढना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ गया ना द ग्रेट मैन, ये यहाँ पे एक मेन वर्ड मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब आपको कैसे बनाना है, तो देखिए सबसे पहले कि द ग्रेट मैन, और यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो गया द ग्रेट मैन ऑफ द वर्ल्ड, ये पूरा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद आप सभी को क्या करना है, अगर क्वेश्चन में डिड दिया है तो आप सभी को क्या करना है, जो भी यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे देखिए जैसे ये क्रिया है ना, ये वर्ब में आप सभी को क्या करना है, अगर डिड आ गया तो आप सभी को इसका सेकेंड फॉर्म बनाना है, ठीक है, ग्रामर के रूल को लगाना है, और सेकेंड फॉर्म को आपको याद नहीं करना है, यानी जो भी वर्ब है उसके लास्ट में ईडी या डी जोड़ने से, ठीक है, क्या बनता है, सेकेंड फॉर्म बनता है, अक्सर जो वर्ड होते हैं ऐसे ही। तो आप सभी को यहाँ पे जो लीड है, लीड दिया है, इसको क्या करना है, इसमें आपको ईडी लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे एल ई डी, यानी सिर्फ आपको ऐसा लगा देना है, ईडी लगा देना और ये चीजें आपको हटा देना है। यहाँ पे देखिए इसका आंसर हो गया द ग्रेट मैन ऑफ द वर्ल्ड लीड वेरी डिलिजेंट लाइफ, ठीक है, इस तरीके से दिया है, और यहाँ पे देखिए सेकेंड फॉर्म लगाकर ही दे दिया है। तो आपको इस तरीके से क्या करना है, लिखना है, ठीक है, क्या हो जाएगा, द ग्रेट मैन ऑफ द वर्ल्ड लीड वेरी डिलिजेंट लाइफ, ठीक है, और फुल स्टॉप आपको लास्ट में दे देना है, ऐसे आप सभी को लिखना है। और देखिए अगर आप सभी को जैसे यहाँ पे प्ले आ गया, ठीक है, तो आप सभी को इसमें क्या करना, ईडी जोड़ दोगे तो ये खेलने का सेकेंड फॉर्म बन जाएगा, ऐसे आप सभी को रूल लगाना है। इसके बाद सी क्वेश्चन है, फाइंड आउट ए वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स डिस्ट्रॉय, यानी इसका मतलब होता है नष्ट करना, ठीक है। तो आपको एक ऐसा और वर्ड लिखना है जिसका अर्थ होता है नष्ट करना। तो यहाँ पे देखिए इसी पैसेज में दिया है, रूइन का मतलब होता है नष्ट, ठीक है, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे लिख दीजिएगा इसके जगह पर, ठीक है, यहाँ पे रूइन। अगर आप लोग नहीं जानते हो कि हाँ रूइन का मतलब नष्ट होता है, तो आप सभी लोग यानी कि नष्ट जो है उसको इंग्लिश में ही आप लोग यहाँ पे नष्ट लिख दीजिएगा, आपको नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है, फाइंड आउट ए वर्ड इन द पैसेज विच इज अपोजिट ऑफ डिसग्रेसफुल, यहाँ पे आपको डिसग्रेसफुल का अपोजिट वर्ड लिखना है, ठीक है। और अगर आप सभी के पेपर में यानी इस तरीके से पैसेज में एक अपोजिट वर्ड का क्वेश्चन जरूर आएगा, अगर आपको कोई भी अपोजिट वर्ड का नहीं पता रहेगा कि इसका अपोजिट क्या होगा, तो यहाँ पे हम आपको ग्रामर के एक ऐसे ट्रिक बताने वाले, ऐसे रूल बताने वाले हैं, अगर आप सभी लोग, ठीक है, उस अपोजिट वाले क्वेश्चन में उस आप लोग छोटी सी ट्रिक को लिख दोगे तो एग्जामिनर, ठीक है, उसी जगह से पहचान जाएगा कि आप जो हो एक टॉपर स्टूडेंट हो, क्योंकि आपको ग्रामर की आपको असली रूल पता है, असली तरीका पता है, ठीक है। तो आपको क्या यूज करना है, जहां पर आपके अपोजिट वर्ड नहीं आ रहा है, ठीक है, तो वहां पे आपको ग्रामर के ये रूल को लगा देना है, टीचर 100% गारंटी आपको पूरे के पूरे नंबर देंगे, ठीक है। आप सभी को क्या यूज करना है, इज नॉट फेल फॉर, ठीक है, यानी ये जो चार वर्ड है आप लोग इसको याद कर लीजिए, कहीं पर भी आपको इंग्लिश के पेपर में अपोजिट वर्ड बोला है लिखने के लिए नहीं आ रहा है उसका अपोजिट, तो आप लोग ये ग्रामर के इन चार वर्डों को लिख दीजिए, 100% एग्जामिनर आपको बिल्कुल टॉपर समझ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो ग्रामर का रूल है ये बहुत ही अच्छी रूल है और ये अपोजिट के लिए ही यूज किया जाता है। आप लोग इसको जरूर लिख दीजिएगा, पूरे नंबर मिल जाएंगे, ये तरीका आपको कोई नहीं बताएगा, सिर्फ एक इंग्लिश के बेस्ट टीचर ही आपको ये तरीका बता सकते। दूसरा क्या है, जैसे यहाँ पे क्या है, अगर जैसे आप सभी के अपोजिट वर्ड में यहाँ पे डी आई एस आगे लगा हुआ है, ठीक है, तो आप सभी लोग इस डी आई एस को हटा करके सिर्फ आप लोग ग्रेसफुल लिख दोगे, ये इसका अपोजिट वर्ड बन गया, ठीक है, तो यहाँ पे डी में हो जाएगा ग्रेसफुल, ठीक है। तो इस तरीके से आप सभी को लिखना है, नहीं अगर डी आई एस लिखा है तो उसको हटाकर सिर्फ ग्रेसफुल लिख देना, वो उसका अपोजिट वर्ड बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया पहला पार्ट, जिसका मैं आप सभी का 7 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा, अगर आप सभी लोग इस ट्रिक को जान गए तब, जितना हमने यहाँ पे बताया इसी ट्रिक से लिखिएगा, आपका 7 नंबर पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर यहाँ पे कोई भी टीचर नहीं काटेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आ गया राइटिंग सेक्शन, और राइटिंग में देखिए आप सभी का लेटर और एप्लीकेशन है, इसमें आपको कैसे ट्रिक से लिखना है अगर आपको कुछ नहीं आता है इंग्लिश में तब। उसके बाद देखिये 22 क्वेश्चन में है, राइट ए लेटर टू योर फादर डिमांडिंग मनी टू परचेज योर बुक्स, ठीक है, और ये जो है ये अथवा करके है, आर करके, यानी यहाँ पे आप लोग लेटर
लिखिए या एप्लीकेशन लिखिए, ठीक है। 4 नंबर के आप सभी के क्लास 10th में आता है और 9 नंबर के आपके क्लास 12th में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर छोड़ दोगे तो 0 नंबर मिलेंगे और यहाँ पे आप सभी को ट्रिक से अगर लिखोगे तो आपको ये 9 नंबर का है तो आपको 8 नंबर 7 नंबर तो जरूर मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है, 100%। तो देखिए क्या है इस तरीके से, सबसे पहले कि यहाँ पे राइट ए लेटर टू योर फादर डिमांडिंग मनी टू परचेज योर बुक्स, यानी एक पत्र आप सभी को लिखना है और उसमें आप सभी लोग यानी अपने पिताजी से किताबों को खरीदने के लिए कुछ पैसे मांग रहे हो, इसके लिए आपको पत्र लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए लेटर हम आपको बताएंगे, उसके बाद आपको एप्लीकेशन बताएंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है लेटर राइटिंग सबसे ऊपर सिरे पे, ठीक है। उसके बाद आंसर टू क्वेश्चन नंबर जो भी यहाँ पे लिख दीजिए। और शुरुआत कैसे करना है, आपको जो लेटर है वो इस तरह से आपको सबसे पहले यानी ऐसे आपको शुरुआत करना है। तो यहाँ पे देखिए जैसे आपको एड्रेस लिखना है, उसके बाद ठीक है यहाँ पे एड्रेस में आपको लिखना है और यहाँ पे आपको डेट लिखना है, यानी आपको ऐसे लेटर लिखना स्टार्ट किया जाता है। तो आप लोग यहाँ पे एड्रेस में अपना खुद का एड्रेस भी आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। आपको अपने एड्रेस का मीनिंग याद होगा तो आप लोग यहाँ पे अपना ही एड्रेस लिख दीजिए। जैसे यहाँ पे हमने कोई एड्रेस लिख दिया, गांधीनगर आगरा यूपी। इसके बाद यहाँ पे आपको जो डेट डालना है वो लेटर में कुछ इस तरह से डालना है, ठीक है। जैसे 7th मार्च, ठीक है, यानी आप लोग 7th मार्च आप लोग लिख सकते हो और यहाँ पे जो भी सन रहेगा इस तरीके से आपको लिखना है, यानी ऐसे आपको डेट लिखा जाता है। इसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट की छोटी सी मीनिंग है, आप लोग इसको याद कर लिए होंगे, होगा भी कुछ स्टूडेंट को ये याद, ठीक है। अब सब्जेक्ट में आपको इसमें सब्जेक्ट कैसे मिलता है, तो देखिए यहाँ पे लेटर टू योर फादर, यहाँ पे किस चीज की, तो यहाँ पे डिमांडिंग मनी, ठीक है, यानी जिस पे पूरी लेटर आधारित है वही आप सभी को सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे यानी क्या है, पैसे मांगने के लिए पत्र लिखा जा रहा है, तो यहाँ पे डिमांडिंग मनी सब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे आपको पूरा बिल्कुल सही सही ये दो वर्डों को, ठीक है, यहाँ से उठा करके सही सही मीनिंग बिल्कुल छाप देना है देखकर, ठीक है, ऐसे आपको लिख देना है और सभी लेटर में आपको ये मिल जाएंगे सब्जेक्ट इसी जगह। और इसी तरह आप सभी को लेटर जो एप्लीकेशन है उसमें भी लिखना है, ठीक है। आप लोग इसको समझ जाएंगे तो आप लोग एप्लीकेशन को भी लिख लेंगे। तो इसके बाद देखिए यहाँ पे जैसे किसके लिए, तो यहाँ पे जो पत्र है वो पिताजी के लिए लिखा जा रहा है, तो यहाँ पे क्या करना है, माय डियर फादर, ठीक है, इसके बाद कामा, और यहाँ पे विथ मोस्ट रिस्पेक्टफुली आप लोग इससे भी शुरुआत कर सकते हो। यह आप लोग छोटी सी यहाँ पे वर्ड याद कर लीजिए, आई वेक टू, ठीक है, आई वेक टू से दैट, यानी आप सभी लोग आई वेक टू से दैट अगर याद कर लेते हो ये 5 वर्ड, तो ये आपके एप्लीकेशन में भी फिट हो जाएगा और लेटर में भी। तो आप लोग या विथ मोस्ट रिस्पेक्टफुली लिखिए या इसको लिखिए, ठीक है। उसके बाद आई वुड लाइक टू से, आप लोग ये याद कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद पैसों की जरूरत है, तो आई नीड सम मनी, यहां तक आप लोग लिख दिए आई नीड सम मनी, ठीक है। इसके बाद क्या है, टू परचेज, ठीक है, योर, जहां पे योर रहेगा वहां पे आप सभी को क्या करना है, माई का यूज कर देना है, ठीक है, जहां पर योर रहेगा वहां पे आपको माई का यूज करना है। तो इस तरीके से यानी यहाँ पे योर था तो यहाँ पे माई डियर फादर हमने लिखा है, यानी माई फादर, ठीक है। तो इस तरीके से आप सभी को क्या करना है, यहाँ जहां पर योर रहेगा वहां पे आपको माई का यूज कर देना है। तो यहाँ पे मनी टू परचेज माई न्यू बुक्स या बुक्स, ठीक है, बिल्कुल देखकर आपके लेटर में ही यहाँ पे दिया हुआ है मनी टू परचेज, ठीक है, योर की जगह माई बुक्स या माई न्यू बुक्स, तो इस तरीके से हो गया, देखकर लिख दिए बिल्कुल। इसके बाद यहाँ पे आप लोग, ठीक है, यानी और भी अगर अपने अपने हिसाब से कुछ बनाना चाहते हो तो इस लाइन में लिख सकते हो, अगर नहीं चाहते हो तो सिर्फ इसी जगह लिखिए। इसके बाद नीचे आपको ये छोटी सी मीनिंग देयर फोर, ठीक है, याद कर लीजिए, कावा आई रिक्वेस्ट यू टू, ठीक है, और यहाँ पे डिमांडिंग मनी, डिमांडिंग मनी तो बिल्कुल इसी में था, डिमांडिंग मनी, तो देख कर लिख दीजिए। इसके बाद थैंक यू, ठीक है, योर्स ओबीडियंटली की मीनिंग याद है तो लिख दीजिए, नहीं याद है तो बस थैंक यू, और यहाँ पे नाम नहीं लिखा जाता एग्जाम में तो XYZ आपको लिख देना है, ठीक। तो इस तरीके से आप सभी को लिख देना, अगर आप लोग ऐसे लिखते हो तो पूरे के पूरे, अगर 9 नंबर का है, 4 नंबर का है, ठीक है, तो पूरे के पूरे 1-2 नंबर कट सकते हैं, लेकिन पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, क्योंकि सिर्फ एग्जामिनर यहाँ पे आपको ये लेटर लिखने के तरीके को देखेंगे, बाकी कुछ नहीं देखेंगे, ठीक है। और असली तरीका आपको जो लेटर लिखने का वो हमने बता दिया कि ऐसे पहले एड्रेस, डेट, सब्जेक्ट, फिर इसके बाद यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देना है, ट्रिक लगाना, ठीक है। तो ये
तरीका पता हो गया तो आप लोग सभी लेटर को लिख लोगे, चाहे कोई भी लेटर आ जाए, यही ट्रिक लगाना है। इसके बाद देखिए जो एप्लीकेशन है, यहाँ पे राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल, ग्रांट यू 5 डेज लीव टू अटेंड योर सिस्टर मैरिज। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी को क्या ट्रिक लगाना है, आपको बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे एप्लीकेशन राइटिंग आंसर टू क्वेश्चन नंबर, और यहाँ पे आपको शुरुआत सिर्फ क्या करना है, इसमें आपको एड्रेस और पता से नहीं करना है, इसमें आपको टू से करना है। ठीक है, टू, फिर उसके बाद यहाँ पे कावा लगाना है, टू यहाँ पे कावा लगा हुआ है। इसके बाद किसको लिखना है, तो प्रिंसिपल, तो यहाँ पे द प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल के आगे द लगाया जाता है, द प्रिंसिपल कावा। इसके बाद यहाँ पे आप लोग अपनी कॉलेज का नाम लिख दीजिएगा, जैसे यहाँ पे हमने किसी कॉलेज का नाम लिख दिया है। इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसी में मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे किसके लिए ये जो प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं वो किसके लिए लिख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 डेज लीव। ठीक है, तो यहाँ पे एन एप्लीकेशन फॉर 5 डेज लीव, छुट्टी के लिए 5 दिन की। और इसके बाद डियर सर, सर को लिख रहे हैं, और यही आपको 4 वर्ड आई वेक टू से दैट। इसके बाद यहाँ पे अपना नाम लिख दीजिए, आई एम सोनम एंड आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। ठीक है, यानी बहुत ही सरल है, नाम लिख सकते हो, क्लास लिख सकते हो, सब स्टूडेंट लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप योर स्कूल, ठीक है, आई वांट टू टेल ग्रांट मी 5 डेज लीव टू अटेंड माई सिस्टर मैरिज। तो यहाँ पे क्या, यानी किसके लिए, तो यहाँ पे देखिये 5 डेज लीव टू अटेंड योर की जगह हमने बताया माई सिस्टर मैरिज। तो देखिए बहुत ही सरल है, ये 4 यहाँ पे वर्ड खुद ही दिया है, यहाँ पे आप लोग लिख दीजिए आई वांट टू, सिर्फ मैं चाहता हूँ, ये क्या कहना, ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूँ, ग्रांट मी 5 डेज लीव टू अटेंड माई सिस्टर मैरिज। बिल्कुल क्वेश्चन से ही आपको ये लेटर एप्लीकेशन बनाया जाता है, आप लोग इस ट्रिक से बना लीजिएगा, बाकी नीचे वही चीजें हैं। ठीक है, यहाँ पे ग्रांट, सिर्फ आपको आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी इतना याद कर लेना, बाकी ये चीजें आपको क्वेश्चन से ही मिल जा रहा है। थैंकिंग यू डेट, ठीक है, और यहाँ पे योर ओबीडियंटली नेम XYZ क्लास, यहाँ पे यू है, ठीक है, यू की जगह आप सभी को क्या यूज करना है, मी का यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे इस तरीके से हमने यूज किया ना, ग्रांट मी 5 डेज लीव टू अटेंड माई सिस्टर मैरिज। ठीक है, ये भी ट्रिक आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, आपको पूरा लेटर और एप्लीकेशन लिखना है, आप लोग इन छोटे छोटे ट्रिक को जान गए तो आप लोग पूरे के पूरे एप्लीकेशन और लेटर लिख डालोगे, आपको पूरे नंबर भी मिल जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले कि आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, उसी क्वेश्चन से ही जैसे हमने बताया ट्रिक से, ठीक है, आंसर बनाना, आपको उसी क्वेश्चन से लेटर और एप्लीकेशन लिखना स्टार्ट करना है, आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे अगर आप लोग हमारे इस तरीके से लिखते हो तब। इसके बाद देखिये लिटरेचर आ गया, यानी इसमें 60 क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, आपको 60 क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन में कौन सा ट्रिक लगाना है, जिससे आपका यानी 2-3 60 क्वेश्चन पेपर में आते हैं और 2-3 लॉन्ग क्वेश्चन, जिससे आपका यहाँ से 20 नंबर जो है पूरे के पूरे पक्के हो जाएंगे। ठीक है, और बिना पढ़े आपको क्या ट्रिक लगाना है, जैसे देखिए यहाँ पे कई 60 क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन दिए, इसमें भी है, तो देखिए जैसे यहाँ पे आ गया क्वेश्चन में, यानी किसी आपको लॉन्ग क्वेश्चन का ट्रिक बता रहे हैं, आप लोग इसको 60 और लॉन्ग दोनों में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, यूज कर सकते हो, तो यहाँ पे आपको किसी एक का ही आंसर देना है और 60 शब्दों में देना है। ठीक है, देखिए पहला यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है, हाउ डिड द हेलस्टोन्स अफेक्ट द फील्ड ऑफ लेंचो, और दूसरा है व्हाई डिड एनी फ्रैंक मेंटेन ए डायरी, ऐसे दिया हुआ है। सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में सब्जेक्ट को ढूंढना है। ठीक है, तो सब्जेक्ट इसमें देखिए जैसे द हेल स्टोन्स, ये क्या है, इसमें सब्जेक्ट है, इसमें यहाँ पे एनी फ्रैंक जो है सब्जेक्ट है, तो देखिए आपको इतना लिखने के बाद अगर ये डिड वाले दोनों क्वेश्चन है तो हम यहाँ पे किसी एक का ही ट्रिक बता देते हैं, आप लोग दोनों में समझ जाइएगा। ठीक है, जहां पर ये डिड आ जाए तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो वर्ब दिया है उसमें आपको सेकेंड फॉर्म का यूज करना है। ठीक है, ये ग्रामर का रूल होता है और इसी रूल को देखकर एग्जामिनर आपको समझ जाएगा आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, आपको इंग्लिश की पूरी नॉलेज है और आपको पूरे नंबर देता चला जाएगा हर एक क्वेश्चन पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मेंटेन दिया हुआ है, यहाँ पे वर्ब है, इसमें आपको डिड आया क्वेश्चन में, आपको इसमें क्या करना है, आपको इसको सेकेंड फॉर्म बनाना है। सेकेंड फॉर्म कैसे बनता है, आपको लास्ट में ईडी या डी जोड़ने से सेकेंड फॉर्म बनता है, अक्सर वर्ड है जो इसी से बनते हैं। ठीक है, जिसका नहीं आएगा उसमें भी आपको ऐसे एड कर देना है ईडी और डी लास्ट में, वो सेकेंड फॉर्म बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एनी फ्रैंक और ये मेंटेन जो है इसमें लास्ट में आप लोग ईडी जोड़ दीजिए। ठीक है, तो क्या बन गया यहाँ पे, पहले तो यहाँ पे लिटरेचर आपको सबसे पहले लिखना है कॉपी पे,
ठीक है, ऊपरी सिरे पर। इसके बाद आंसर टू क्वेश्चन नंबर जो भी है आप लोग लिख दीजिए। यहाँ पे आंसर ऐसे लिखने के बाद इसमें कैसे लिखना है, एनी फ्रैंक, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये जो मेंटेन दिया है इसमें आपको डिड आया तो ईडी लगा देना है, सेकेंड फॉर्म बन जाएगा मेंटेन्ड ए डायरी, ठीक है। विकास यहाँ पे, उसके बाद विकास का भी आप लोग यूज कर सकते हो, विकास का मतलब क्योंकि होता है, दैट का यूज कर सकते हो, सो दैट का, इट का यूज कर सकते हो, ठीक है। इतने चीजों को आप लोग यूज कर सकते हो, जो भी सुटेबल होगा यहाँ पे आप लोग यूज कर सकते हो। अक्सर आप लोग विकास का ही यूज कर लीजिएगा, आप लोग मीनिंग छोटी सी याद कर लीजिए, BECAUSA, ठीक है। इसको इतना लिखने के बाद अब आप सभी को, यानी लॉन्ग क्वेश्चन है तो उसको आपको एक या डेढ़ पेज लिखना है, तभी आपको सात नंबर चार नंबर पूरे के पूरे मिलेंगे। अब आपको ये एक लाइन सही सही लिखने के बाद अब आपको क्या करना है, जिससे ये पूरी जो है डेढ़ लाइन की पेज भर जाएगी। कि आप सभी के इंग्लिश के, ठीक है, जो पार्ट रीडिंग था उसमें पैसेज थे, आपके इंग्लिश में कई पैसेज होते हैं, इसमें आप सभी को क्या करना है, यानी आप सभी लोग को फर्स्ट लाइन से नहीं, बीच से आपको, यानी जैसे एक फुल स्टॉप है, यहाँ से आपको इतना उठा करके, ठीक है, और आप सभी लोग लास्ट में कोई फुल स्टॉप या कामा तक, जैसे यहाँ तक हो गया, ठीक है, आप लोग ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक इतना लिखने के बाद आप लोग बिल्कुल सही सही यहाँ पे छाप दीजिए, ठीक है। आप लोग अगर ये अपनी कॉपी में इतना लाइन लिखते हो तो ये क्या हो जाएगी, आपकी ये डेढ़ पेज भर जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप लोग पैसेज जो है, इस तरीके से कई पैसेज आपके इंग्लिश के पेपर में देखिए बहुत पैसेज दिया होता है, यहाँ पर भी पैसेज है, ठीक है, यहाँ पर भी पैसेज है, बहुत पैसेज है। आप लोग किसी भी पैसेज में से पांच छह लाइन उठा करके, ठीक है, यानी ऐसा लिखिए, उठाइए लाइन, बीच से उठाना है, और आप लोग लास्ट में भी आपको किसी फुल स्टॉप से बीच में ही उतना ही लिख देना है, ठीक है। और इसको कम से कम डेढ़ पेज आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन को लिखिएगा, आपको पूरे के पूरे सात नंबर का है तो छह नंबर एग्जामिनर जरूर देकर जाएंगे, ठीक है। ऐसे आपको क्या करना है, इसके बाद आपको उसी पैसेज के लाइंस को लिख देना है। उसमें क्या होगा कि आप लोग अगर नहीं आएगा किसी क्वेश्चन का आंसर तो आपका वो गलत भी नहीं होगा, सही सही बिल्कुल देख कर छाप रहे हो तो सही ही छापोगे और कट क्रॉस भी नहीं करोगे। इसलिए सिर्फ एग्जामिनर आपकी ये पहली लाइन को पढ़ते हैं और इसमें ग्रामर के रूल को देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है, और आपको पूरे के पूरे नंबर देते, कभी भी वो आपके पूरे लाइंस को नहीं पढ़ते, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ट्रिक लगाना है, और यही ट्रिक आपको 60 क्वेश्चन में भी लगा देना है और सप्लीमेंट्री के भी क्वेश्चन में लगा देना है, ठीक है। सिर्फ आपको नंबर के हिसाब से लगाना है, अगर तीन नंबर का, चार नंबर का, ठीक है, दो नंबर का 60 क्वेश्चन है तो सिर्फ आपको दो लाइन ही पैसेज का छापना है, इतना। ये सब डिड है तो डिड के आएगा क्वेश्चन में, तो ईडी लगाना है, वाज आया है तो वाज लगा दीजिए, इज आया तो इज लगाना है, एम आया तो एम, ठीक है, वो सब्जेक्ट के साथ सिर्फ लगाना है। और बाकी विकास के बाद आपको 60 क्वेश्चन है तो चार लाइन लिखिए, अगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो डेढ़ पेज लिखिए। देखिए तीन नंबर में आता है सेंट्रल आइडिया, और ये क्लास ट्वेल्थ में और अधिक नंबर में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तीन दिया है सेंट्रल आइडिया, जिसमें से आपको किसी एक के बारे में लिखना है। तो अगर आपको सेंट्रल आइडिया नहीं आता है तो आपको क्या ट्रिक लगाना है, जैसे यहाँ पे देखिए फायर एंड आइस, सबसे पहला तो यहाँ पे सबसे पहले आपको कॉपी में, ठीक है, आंसर टू क्वेश्चन नंबर जो भी नंबर है यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है, 28 नंबर है तो 28 नंबर लिखिएगा। इसके बाद आप लोग पहला लिखोगे तो पहला यहाँ पे फायर एंड आइस आपको ब्लैक स्केच या पेन से लिख देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे मीनिंग देखकर सही सही यहाँ पे सेंट्रल आइडिया का मीनिंग आपको ऐसे लिख देना है, ठीक है, हेडिंग के रूप में। लिखने के बाद देखिए अब क्या होता है, सही तरीका सेंट्रल आइडिया लिखने का, सिर्फ तरीका पता है तो नंबर मिलता जाएगा, ठीक है। देखिए आपको कैसे शुरुआत करना है, आपको छोटी सी लाइन याद कर लेनी, सिर्फ एक दो लाइन, वो है कि द पोयम, ठीक है। अगर आपको पाठ यहाँ पे नाम दिया है, जो सेंट्रल आइडिया लिख रहे हो वही पाठ का नाम होता है, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग यहाँ से देखकर सही सही इसमें से देखकर फायर एंड आइस आप लोग और ऐसे दो कावा के अंदर लिखना है, ठीक है, इन्वर्टेड कावा के अंदर। तो यहाँ पे फायर एंड आइस आप लोग ब्लैक पेन से लिख दिए, हैज बीन कंपोज्ड बाई, ठीक है। अगर आपको इनके लेखक का नाम याद है, राइटर का नाम, तो आप लोग रॉबर्ट फ्रॉस्ट लिख दीजिए, नहीं याद है तो आप लोग मत लिखे, ठीक है, कंपोज्ड बाई सिर्फ। इन दिस पोयम द पोएट हैज डिस्क्राइब अबाउट, इतना लिखने के बाद, यानी ये सिर्फ छोटी सी लाइन, ये तो आपके क्वेश्चन में ही है, और इन दिस पोयम द पोएट हैज डिस्क्राइब अबाउट, सिर्फ इतना लिखने के बाद आपको फिर आगे क्या करना है, यानी कम से कम एक पेज लिखना है आपको सेंट्रल आइडिया, तीन नंबर का है, तो अब फिर से आपको पैसेज में ही आ जाना है, पैसेज दिए हुए, ठीक है। इस पैसेज में से आपको क्या करना है, कहीं फुल स्टॉप से, यानी यहां से भी उठा सकते हो, यहां से लेकर के इस फुल स्टॉप तक, या बीच से ही उठाना है आपको, ठीक है, ये नहीं कि शुरू से उठाना है, यहाँ तक, जैसे यहाँ पे
ठीक है, यहाँ से लेकर के आप लोग यहाँ तक पूरा सेंट्रल आइडिया में लिख दीजिए, या आपके पूरे पेज इतना लिखने के बाद आप लोग ऐसे लिख दोगे, पेज कंप्लीट हो जाएगा और आपको पूरे के पूरे 3 नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं काटे जाएंगे। एग्जामिनर सिर्फ ये फर्स्ट लाइन देखेगा और जान जाएगा कि आप लोग जितना चीजें लिखे हो बिल्कुल करेक्ट लिखे हो, ठीक है, क्योंकि हम भी बोर्ड एग्जाम की कॉपी पिछले 5 सालों से चेक करते और जितने भी स्टूडेंट इस ट्रिक से लिखे होते हैं उनको पूरे के पूरे नंबर देते हैं, ठीक है, हम ही नहीं सभी एग्जामिनर देते, तो आपको ये ट्रिक का यूज जरूर करना है। 23 क्वेश्चन है जिसमें आपको रिपोर्ट या आर्टिकल, ठीक है, आप सभी के एग्जाम में अब ऐसे लिखने के लिए नहीं आता है, उसके जगह पर रिपोर्ट और आर्टिकल आते हैं, अथवा करके दिया होता है, आपको दोनों में से किसी एक को लिखना होता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे रिपोर्ट और यहाँ पे आर्टिकल, तो सब इसमें भी हिंट्स दिए हैं, इस तरीके से हेडिंग आपको हेडिंग डालकर लिखना है और इसमें भी इस तरीके से हेडिंग दिया है, सबसे सरल जो होता है वो आर्टिकल ही होता है, तो इस तरीके से देखिए आपको आर्टिकल में क्या होता है, आप सभी को यानी कि यहाँ पे रेगुलर एक्सरसाइजिंग पर आप सभी को लिखना है और आप सभी को यानी 30 से 80 वर्ड, मतलब कि आप सभी को 2 पेज लिखना है, ठीक है, बाकी हेडिंग दिया है, सिर्फ आपको इसमें ट्रिक लगाना है। सबसे पहला हेडिंग इंट्रोडक्शन है, आप लोग मीनिंग देखकर बिल्कुल सही सही पहले वाले में लिख दीजिए इंट्रोडक्शन। आपको लिखना कैसे, सबसे पहले की सेक्शन, ठीक है, बी राइटिंग, आंसर टू क्वेश्चन नंबर जो भी आप लोग लिख दीजिएगा। इसके बाद देखिए जैसे हम आपको जो इम्पोर्टेंट है जो आपके पेपर में हर साल आता है, ठीक है, वो है यानी कि आप सभी को बता रहे पॉल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया, ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, तो आपको सबसे पहले जो भी टॉपिक है इसको लिख दीजिए, यानी अगर आप लोग द पॉल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया पर लिख रहे हो तो आपको सबसे पहले लिख देना है। पहला आप सभी लोग बिल्कुल सही सही देखकर यहाँ पे डाल दीजिए हेडिंग इंट्रोडक्शन, ठीक है। इसके बाद आप सभी को कैसे शुरुआत करना है, तो आपको ऐसे शुरुआत करना है, यानी इसमें आप सभी को क्या करना है, द पॉल्यूशन प्रॉब्लम, ठीक है, प्रॉब्लम इन इंडिया, ऐसे आप सभी को इंडिया, आपको ये जो पहला लाइन है द पॉल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया, आपको इंट्रोडक्शन में पहला पहला, ठीक है, यानी ये पहला लाइन सभी आप सभी लोग हेडिंग में इस पहले लाइन को यूज करके, इसके बाद आपको फिर से ये पैसेज में आ जाना है, ठीक है, ये जो पैसेज है इसमें से आपको बीच से 2-2 लाइन को उठाकर आपको पर एक हेडिंग में, ठीक है, पर हेडिंग में आप लोग ये 2-2 लाइन पैसेज का आप लोग लिख दीजिए, आपका 2 पेज अच्छे से भर जाएगा। आप लोग के कई पैसेज सभी में से 2-2 आप लोग लाइन लिख दीजिए, पूरा का पूरा 2 पेज भर जाएगा और आपको नंबर पूरे के पूरे मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर ये क्या है, अगर ये, ठीक है, 6 नंबर का है तो आप सभी को जो है यानी यहाँ पे 3 नंबर मिल जाएंगे, 4 नंबर मिलेंगे, यानी कुछ न कुछ नंबर जरूर मिलेंगे, 0 नंबर आपको कभी भी नहीं मिलेगा। और अगर यहाँ पे जैसे राइट 4 लाइन ऑफ एनी पोयम, ठीक है, यहाँ पे अगर 4 लाइन की कोई कविता लिखने के लिए आ गया और आपको 4 लाइन की कविता नहीं याद है तो आप लोग, ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो भी 27 आप लोग लिख दीजिएगा और इसकी ये अथवा है, ठीक है, तो आप लोग कविता ही लिखिएगा, सरल पड़ेगा आपके लिए पोयम, तो आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर जो है लिख दीजिएगा, पोयम लिख दीजिएगा। इसके बाद अगर आपको नहीं याद है तभी आप लोग इंग्लिश में इन सभी ट्रिक का यूज कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे जो ये दिया हुआ है ना, यहाँ पे ये कविता के 4 लाइन 5 लाइन दिए हुए, यानी 4 लाइन ही दिया है, पूरा आपको 4 लाइन क्या करना है, इधर उधर, यानी आप लोग पहले ये माई हेड, ठीक है, पहले आप लोग ये 2 लाइन को लिख दीजिएगा, इसके बाद आपको ये 2 लाइन को लिख देना है, ठीक है, ऐसे, यानी पहले 2 लाइन फिर ये, आपको ये 4 लाइन की कविता बिल्कुल सही सही मीनिंग के साथ मिल रही है। यहाँ पे आप लोग को नहीं याद है तो ये 4 लाइन की कविता क्वेश्चन नंबर लिख करके इसको लिख दीजिए आपको, यानी ये कितने नंबर के हैं, ठीक है, तो ये जो कविता आप सभी के पेपर में आया लिखने के लिए ये जो था 3 नंबर का था, ठीक है, 3 नंबर का है, तो एग्जामिनर ये कभी भी यहाँ पे इतने ध्यान से कॉपी को एग्जामिनर कभी आपके चेक ही नहीं करते, वो जितने कॉपी चेक करेंगे उनको उतने पैसे मिलते, इसलिए वो सिर्फ ये देखते हैं कि आप लोग पोयम हेडिंग डाले हो और कुछ न कुछ इसके नीचे 4 लाइन लिखे हो, आपको 3 के 3 पूरे नंबर दे देंगे, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पे ग्रामर वाला पार्ट आ गया, तो अगर आपको ग्रामर जो है काफी अच्छे तरीके से आ रहा है, आपको रूल पता है, तभी आप लोग ग्रामर के क्वेश्चन को कीजिए, ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो आप सभी लोग इस ग्रामर वाले क्वेश्चन को मत कीजिएगा। अब देखिए आप सभी को जैसे यहाँ पे पंचुएट आता है ग्रामर में,
तो इसमें आप सभी को क्या करना है, यानी इसमें सिर्फ आपको, यानी जैसे यहाँ पे होगा द टीचर सेड टू, ठीक है, तो आपको यहाँ पे कामा और यहाँ पे डबल कामा लगाकर, जो यहाँ पे अमित एक नाम है तो ये स्मॉल लेटर में है, तो आपको ए को क्या करना है, कैपिटल लेटर में लिखना है, ठीक है, और उस ये आपको इनवर्टेड कामा के अंदर, अमित हैव यू कंप्लीटेड योर, ठीक है, होमवर्क, और उसके बाद डबल कामा आप सभी को यहाँ पे लगा देना है, इनवर्टेड कामा को बंद कर देना है, यानी आप सभी को, यानी अगर ये तरीका जानते हो और ये इसमें ग्रामर का रूल लगाना होगा, आपको कैपिटल करना होगा यहाँ पे, इसमें यहाँ पे कामा इनवर्टेड कामा के अंदर लिखना है, ये जानते हो तो आप लोग इसको कर लीजिए, नहीं याद है तो, नहीं पता है रूल वगैरह तो आप लोग ग्रामर के क्वेश्चन को मत कीजिए, ठीक है। कितने नंबर का है, ये 2-3 नंबर का है, नहीं करोगे 2-3 नंबर चला जाएगा और क्या। और इसके बाद जैसे यहाँ पे हो गया, अगर आप लोग इस ट्रांसलेशन वाले ट्री करना चाहते हो तो इसमें आपको क्या है, आप लोग इसको इसमें सब्जेक्ट पहचान कर आपको, ठीक है, वर्ब पहचाना कि ये कौन सा टेंस है, पहचान कर आप लोग, जैसे ये क्या प्रेजेंट टेंस है, ठीक है, तो इसमें आप सभी लोग अगर इसको पहचान कर बनाना चाहते हो तो आप लोग बना लीजिए, जिस आपको जो भी ऐसा वर्ड है जिसका आपको इंग्लिश नहीं पता है, मीनिंग नहीं पता है, तो आप लोग जो चीजें हिंदी में लिखा है उसी को सिर्फ इंग्लिश में लिख दीजिए, आपका ये बन जाएगा, ठीक है। बाद देखिए, जैसे आप सभी के पेपर में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको क्या ट्रिक लगाना है, जैसे इस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है और उसमें कोई भी, ठीक है, ऑप्शन ऐसे दिया है बोथ ए एंड बी, ठीक है, अगर ऐसा दिया है तो आप लोग को इसी वाले ऑप्शन पे सही मार देना है, ये सही हो जाएगा, ठीक है, ऐसा जो आएगा तो इसमें आपको इसी वाले ऑप्शन पे सही मारना है, तो आपका ये सही हो गया, ठीक है, ये आपको पता चल गया। और बाकी जैसे ऐसा क्वेश्चन आ गया तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको इस तरीके से दिया है और इसमें बोला कि कौन सा इसमें करेक्ट वाला ऑप्शन है, कि जो इसको बिल्कुल सही तरीके से रखा हुआ है, ठीक है, टेंस के हिसाब से, तो आपको ये पता है कि इसमें लाइफ जो सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के साथ ही सहायक क्रिया लगा होता है, तो इसमें पहले लाइन में तो सहायक क्रिया लगा है और यहाँ पे थर्ड वाले लाइन में लगा है, लेकिन ये दूसरे और यहाँ पे सी वाले लाइन में नहीं लगा है, तो आपको इन दोनों को सबसे पहले भूल जाना है और सिर्फ आपको पहले और इसमें आप सभी को देखना है, ठीक है, तो यहाँ पे लाइफ इज ए, ठीक है, प्रीसियस गिफ्ट टू अस फ्रॉम गॉड, यहाँ पे क्या है, टू अस के बाद आपको गॉड के साथ फ्रॉम का यूज किया जाता है, ठीक है, तो ये बिल्कुल लाइन पहला वाला सही है और बाकी यहाँ पे पहले फ्रॉम लगा दिया तो ये गलत है, तो आपको दोनों में से एक ऑप्शन को करना है, पहले वाले को आप लोग सही मार दीजिए, सही हो जाएगा। तरह से ऑब्जेक्टिव आ गया, तो यहाँ पे सी हैज, और देखिए हैज के साथ क्या यूज होता है, जब भी यूज होता है तो थर्ड फॉर्म यूज होता है, ठीक है, तो इसमें जाना का थर्ड फॉर्म क्या है, गॉन है, तो आप लोग इस गॉन को इसमें भर दीजिए, 100% बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर इस तरह से क्वेश्चन आ गया, जैसे कोई क्वेश्चन दिया है और उसमें एक ऑप्शन जो है लास्ट में दिया है नन ऑफ दिस, ठीक है, तो अगर ये वाला ऑप्शन आ गया तो इसी को आप लोग सही मारोगे, ठीक है, सही आंसर यही रहेगा। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन, कोई रहेगा उसमें एक ऑप्शन रहेगा ऑल ऑफ दिस, तो ये जो है ये सही ऑप्शन है, ठीक है, इसी को आपको, यानी इसमें आपको ये ट्रिक लगाना है, बाकी और जो क्वेश्चन है अगर आपको नहीं याद है, ठीक है, तो आप लोग इसको अनजादे भी आप लोग इसमें निशान लगा सकते हो, ठीक है, अगर आपके लग काम करेगा तो इसमें सही हो जाएंगे आपके कुछ न कुछ 20 क्वेश्चन अनजादे मारोगे, और अक्सर आपको फर्स्ट में आपको ए और, ठीक है, बी को सही लिखना है, मारना है ट्रिक, और लास्ट में आपको सी और डी को मारना है ट्रिक, ठीक है, यानी किसी में आप लोग सी किसी में बी, ऐसे आप लोग अपने हिसाब से अनजादे लिख लीजिएगा। अगर आप सभी लोग इंग्लिश में कुछ भी नहीं पढ़े हो और आप लोग कमजोर हो, आपकी इंग्लिश जो बहुत ही वीक है, तो आप लोग इन सभी ट्रिक का यूज अपने इंग्लिश के पेपर में कीजिएगा, 100% गारंटी कि टीचर आप सभी को बहुत अच्छे नंबर देंगे, ठीक है, ये नहीं कि आप लोग इस ट्रिक से पूरी के पूरी इंग्लिश में 100 में 100 नंबर ला दोगे, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि पढ़ने वाले स्टूडेंट का 100 में 100 नहीं आता है, तो आप सभी लोग स्टूडेंट, ठीक, आप तो कुछ भी नहीं पढ़े इंग्लिश में, तो आप सभी का 100 में 100 नहीं, लेकिन 100 में आप सभी का, ठीक है, यानी आप सभी का 100 में 80 नंबर, 70 नंबर, ठीक है, 75 नंबर, इतना आपका जरूर आ जाएगा, तो जहां आप सभी लोग कुछ भी नहीं पढ़े थे इंग्लिश में, ट्रिक नहीं जानोगे तो आप लोग फेल हो जाओगे, जहां आपको 0 नंबर मिल रहा था वहां आपको अगर 75 नंबर, 70 और 80 नंबर मिल रहे, तो समझिए आपके लिए ये बहुत ही बड़ा वरदान है, ठीक है, आपको ये बहुत बड़ा गिफ्ट मिल रहा है, तो आप सभी लोग को हमारे इस इंग्लिश के ट्रिक से, ठीक है, आपका इतना नंबर इंग्लिश में आ सकता है, जितने भी कमजोर स्टूडेंट है हमारे चैनल से पढ़ने वाले हर साल, ठीक है, जो इंग्लिश में कमजोर रहते हैं वो हमारे इसी ट्रिक को, ठीक है, अपने बोर्ड एग्जाम में यूज करके वो इसी तरह से 80 नंबर, ठीक है, और
70 नंबर 75 नंबर ऐसे नंबर इंग्लिश में लाते हैं और वो अच्छे नंबर से पास हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप लोग इस ट्रिक का यूज कीजिएगा, आप लोग भी बोर्ड एग्जाम में पास ही नहीं बल्कि बहुत अच्छे नंबर लाओगे, आपको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं होगा इतने अच्छे नंबर हमारे कैसे आ गए। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे और इस वीडियो को प्लीज आप लोग अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।